हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे देख सकते हैं? जल्दी से बताइए। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे देख सकते हैं? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। ओके, थैंक यू सो मच गीता। ओके वेलकम अगेन गीता, मी टू वेलकम अगेन। जल्दी से शेयर करिए ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें फटाक से ज़्यादा लोग आ जाएं। हेलो सनाया, सनाया राइट, और सानिया, सानिया आई गेस, सानिया इलाही सानिया नाम है ना? जल्दी से बताओ, सानिया नाम है ना? हाँ सानिया, ओके याद हो जाएगा। हाँ सानिया, भूल जाते हैं ना। कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सब लोग, तो स्टार्ट करें फटाक से। यस यस यस, प्लीज शेयर करो, एक बार शेयर कर दो, लाइक करो, शेयर करो। यस, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज तो एमएसटी सीईटी एग्जाम का रिजल्ट भी है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पता नहीं गीता, आई डोंट नो, मे बी कोई प्रॉब्लम हो। वो रात की क्लास में आती है 9:30 वाली में, उसके में नेटवर्क का इशू हो जाता है। ठीक है तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं जल्दी से, सब लोग जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ हैं आज हम आपके सामने, फिर से बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे। आगे आने वाले 3-4 दिन क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो 2-3 दिन हैं इनमें मैं प्रश्नों को ही करवाऊंगी सॉल्व। कम से कम 200 से 300 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे बायो के, तो क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ पहुंचे। अब देखो, अन अकेडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है, वेलकम करते हैं आपका यहाँ पे इस चैनल पे। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी लाइव क्लासेस मिल सकें, क्योंकि ये चैनल मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबकी लाइव क्लासेस देता है। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम, क्योंकि अब हमारा टारगेट है एमएसटी सीईटी 2021। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइव क्लासेस इस चैनल पे सुबह से रात तक चलती हैं, आपको भी पता है, मंडे टू संडे चलती हैं, फुल प्रिपरेशन होती है, डेली लाइव क्लास चलती है। तो जल्द से जल्द जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कराइए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर भी करिए। ठीक है, मेरे बारे में जान लीजिए, मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है, मुझे 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा स्पेशलाइजेशन बॉटनी, यानी मेरी कोर ब्रांच बॉटनी रही है, एंड मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मी, द शॉर्ट इंट्रो। ओके सो ये आपको पता है, अगर आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं एंड इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो एक प्रॉपर, एक सिस्टमैटिक वे में एक स्टडी की जरूरत पड़ती है, और वो सिस्टमैटिक स्टडी आपको इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिलती है, जिसका नाम है अन अकेडमी। ठीक है, तो
अन अकेडमी से आप सब जुड़िए, ठीक है। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, यानी वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। आप प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी एजुकेटर हैं उनसे अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता है अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म कोई भी अननोन प्लेटफॉर्म नहीं है, दिस इज़ अ नोन प्लेटफॉर्म एंड इट्स द बेस्ट एंड लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जुड़िए इसके साथ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई को एक न्यू डायरेक्शन दीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। किस तरीके से क्या चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, वो एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक वे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और भैया सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक लर्निंग ऐप को डाउनलोड आपने नहीं किया है, अगर इस ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि इसको डाउनलोड किए बिना तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द स्पेशल क्लासेस, ठीक है। मेरी भी स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रात में 9:30 बजे चलती है, ठीक है। तो अगर आपको 9:30 बजे आना है, मेरी क्लास करनी है, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जब ये पेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, खुल के आ जाएगा, तो आप बेसिकली क्या करिए, अपने गोल को सिलेक्ट करिए। अपने गोल को सिलेक्ट करिए, MST CET। जैसे आप अपने गोल को सिलेक्ट करेंगे, आपको सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे, ठीक है। सारी क्लासेस भी दिखने लगेंगी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, ठीक है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद ये जो लिंक है क्रैक महाराष्ट्र CET, ये टेलीग्राम के पेज सर्च पे डालिए। जैसे ही आप सर्च में इसको लिखेंगे, वैसे ही आपके पास एक ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ना ज़रूरी है क्रैक महाराष्ट्र CET से, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी न्यू अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, वो सब आपको टेलीग्राम पे दी जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम को डाउनलोड करिए और इस लिंक को ज्वाइन करिए। पैकेज आप देख सकते हो, आपके सामने है CET का सब्सक्रिप्शन कि कितने मंथ का होता है, ठीक है। 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का है, ठीक है। आपको ध्यान में जो बात रखनी है वो ये याद रखनी है, SCORE रेफरल कोड लगाना नहीं भूलना है। देखिए जैसे ही आप SCORE रेफरल कोड लगाएंगे, वैसे ही यू विल गेट 10% ऑफ, आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का पेमेंट आपकी आंखों के सामने है। जब आप इस पे कोड अप्लाई करेंगे तो आपको सीधे 10% की छूट मिलेगी। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि प्राइस जो है वो 15% नेक्स्ट मंथ तक हाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाक से आप ये लीजिए, और सब्सक्रिप्शन में जब आप रेफरल कोड डालेंगे उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है। तो जब आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसे जिस तरीके की सुविधा हो उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। यस, आप रेडी हो, जल्दी से बताओ। एवरीवन इज रेडी सो दैट वी कैन स्टार्ट। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से सब लोग बताइए, सब तैयार हैं? एवरीवन, एवरीवन इज रेडी सो दैट वी कैन स्टार्ट। जल्दी से बताओ भाई। गीता, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ये नहीं पता कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिवाइज होती रहती है ना पेमेंट। चलो पहला प्रश्न है आपके सामने, इलाही मीतू गीता, बहुत अच्छे से जवाब देना है, सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। हड़बड़ी में नहीं देना है, क्योंकि आप लोग को सब कुछ आता है, बस फोकस करिए। चलिए, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें से कोई एक है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है।
नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेरी गुड बादल. बादल इज सेइंग डी वेरी गुड. गीता इज सेइंग बी. बी कैसे गीता? इंटर सेलुलर इंट्रैक्शन. मीतू इज सेइंग डी. बादल यू आर करेक्ट. गीता इज सेइंग बी. यस जल्दी से बताइए. दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो सिर्फ आरव का रिप्लाई आया है, मीतू का रिप्लाई आया है. व्हाट अबाउट गीता? गीता आप इंटरसेलुलर इंट्रैक्शन बोल रहे हो. इलाही कहाँ चले गए हो? हाँ सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होता है. एकदम सही है गीता. और आपको पता है सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन. सी सत श्री अकाल स्तुति इलाही. ये बताओ सी कैसे होगा? तुम लोगों को पता है नॉट द फंक्शन. ध्यान दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कहीं कोई क्रोमोसोमल का सेग्रीगेशन होता है? यस. और बादल पूरी क्लास किया करो, बीच में मत जाया करो. पिछले क्वेश्चन तुम्हारे छूट गए 12 बजे वाले. ठीक है. यस गीता इज सेइंग डी. स्तुति इज सेइंग डी. वेरी गुड. बिकॉज वी नो दिस थिंग दैट क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन जो है वो एनाफेस में, माइटोसिस में होगा. अलग अलग होती है, स्प्लिट होती है क्रोमेटिन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो ये फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है. दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर है? इतना क्लियर है? यानी एनर्जी ट्रांसडक्शन, इंटरसेलुलर इंट्रैक्शन ये होगा गीता. इंटरसेलुलर इंट्रैक्शन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ठीक है. अब गलती मत करना बच्चा. एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई क्यों नहीं करता ये बताओ? क्यों नहीं करता इलाही? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो. चलो, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन. लिपिड मॉलिक्यूल कैसे अरेंज्ड होते हैं बताओ? इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन. जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए कैसे होंगे? जल्दी से बताइए सो दैट आई कैन गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. डॉक बादल कह रहा है बी. मीतू कह रही है बी. ऑल्टरनेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ऑल्टरनेट. डू यू थिंक सो गीता, बादल, मीतू? ढंग से पढ़ो प्रश्न को, ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ो. मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन, बहुत ध्यान से पढ़ो. कुछ तो गलत बता रहे हो. बी रॉन्ग. रॉन्ग रविंदर जी, रॉन्ग. लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन. ए देखो अब बोल रहा है डॉक्टर बादल, कह रहा है ए. इलाही ध्यान से सुनो, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे तुम लोग. जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इट फॉर्म अ बाई लेयर. बाई लेयर बनाते हैं विथ हाइड्रोफोबिक टेल. ठीक है. इन साइड द सेंट्रल पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स टूवर्ड्स द टू सर्फेसिस. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लूड मोजैक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन, बिकॉज दैट मॉडल वॉज गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन. जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है? वी नो दिस थिंग कि उसमें क्या है, एक विस्कस लिपिड बाईलेयर है, हैविंग प्रोटीन एट प्लेसेस. प्रोटीन भी है, ठीक है, पता है ना, बोथ ऑन द सर्फेस एंड इन साइड प्रोटीन भी सिचुएटेड है. सो द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स इन बाई लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेड पैरलल. ठीक है, हेड पैरलल बोलते हैं, बिकॉज द पोलर हेड ऑफ बोथ द लिपिड लेयर्स आर ओरिएंटेड ऑन द सर्फेस एंड
हाइड्रोफिलिक टेल्स आर एम्बेडेड टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सो द करेक्ट आंसर विल बी हेड पैरलर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? हेड पैरलल होगा। ठीक है, फाइन, इज इट क्लियर? हाँ, स्तुति कह रही है 110% हेड पैरलर होगा, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इज इट, यस इट इज 100% करेक्ट। चलो, सी सी फ्लाई इज अ वेक्टर। सी सी फ्लाई को टी सी फ्लाई ना बोलना, सी सी फ्लाई बोलते हैं। सी सी फ्लाई इज अ वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस दैट ट्रांसमिट द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट। यू आर अवेयर ऑफ सी सी फ्लाई, आई नो यू आर फेमिलियर विद सी सी फ्लाई, यू नो दिस टर्म। सी सी फ्लाई इज अ वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस दैट ट्रांसमिट द इन्फेक्टिव स्टेज। मीतू गड़बड़ कर रही हो, कल जो नाम आया था लेशमानिया उसका आंसर ये नहीं है। गड़बड़ कर रही हो, कल वाला लेशमानिया जो था उसका आंसर दूसरा था। जल्दी से बताओ, आप सोचो। जल्दी से बताइए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जल्दी से बताइए। वी नो दिस थिंग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे ट्रांसमिटेड होती है? सी सी फ्लाई बोला जाता है। 100% यू आर सेइंग डी, गीता इज सेइंग डी, स्तुति भी डी बोल रही है। बादल गलत है, सी नहीं होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होता है। अगर आपको पता हो, प्लाज्मोडियम वेक्टर है मलेरिया का। ठीक है, वुचेरिया किसका है? आपको पता हो, हाथी के पैर वाली बीमारी, फाइलेरियासिस, हम लोगों ने कल किया था, याद है मीतू? याद है फाइलेरियासिस वाली बीमारी, हाथी का पैर वाली बीमारी, याद है? ये नहीं पता है, ओके, आज पता चल जाएगा, इलाही आज पता चल जाएगा। देखो, वाउचेरिया जो होता है, जो वुचेरिया है, वो बेसिकली क्या है बच्चा? वो तुम्हारा जो एलिफेंटियासिस, यानी कौन सी फाइलेरियासिस जो होती है, उस बीमारी का फैलाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम आपको पता है, यस। अगर हम बात करें ट्रिपैनोसोमा की, ट्रिपैनोसोमा तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो सी सी फ्लाई होता है, ध्यान से सुनो सब लोग, तो इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट ऑफ द स्पीशीज ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द सी सी फ्लाई, जो कि कहाँ है? विच इज फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, क्लियर है? डू यू नो वॉट हैपन्स इन स्लीपिंग सिकनेस, क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस में? क्या होता है? आपके फीवर होगा, सर दर्द होगा, बहुत थकान लगेगी, आपके लिम्फ नोड सूज जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, आपके जॉइंट में भी पेन होगा। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम ऑफ सी सी, या वी कैन से स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को स्किन में रैशेस भी हो जाते हैं। क्लियर है बच्चा? चलो, फोर्थ, शुफ्टर डॉट्स आर रिलेटेड टू। ये कुछ डॉट हैं जो आपने पढ़े हैं, इट इज रिलेटेड टू, ये इन चारों में से किससे रिलेशन रखते हैं? यस, वेरी गुड स्तुति, जल्दी से बताइए। बताइए, आपको पता है ये डॉट्स कब बनते हैं, कौन सी बीमारी में बनते हैं? जल्दी से बताइए, ये तो आसान है, ये तो पता होना चाहिए, और सबको पता है ये चीज, डी होगा। गीता जल्दी से बताओ, बादल आई थिंक ए, अच्छा बादल इज सेइंग ए। एंटमीबा हिस्टोलिका, शुफनर डॉट्स इज रिलेटेड टू एंटमीबा हिस्टोलिका, ल्यूकोसाइट ऑफ डब फ्रॉग, आरबीसी ऑफ मेन, एपिथीलियम ऑफ स्टमक ऑफ मॉस्किटो, ए। अच्छा, एवरीवन इज सेइंग ए। बेसिकली पता है, ये जो डॉट्स होते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद मलेरिया, दैट इज एसोसिएटेड विद मलेरिया। ठीक है, और इसको कहते हैं, इट रिफर्स टू अ
हेमेटोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू ब्लड, समथिंग इज रिलेटेड टू ब्लड एंड एक्सक्लूसिवली फाउंड इन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब तो पहचानो। यस जल्दी से बताओ, शुफनर डॉट। सी, वेरी गुड। अब जो बच्चे सी बोल रहे हैं दे आर करेक्ट। ये सी नहीं, डी, सौरभ। सौरभ न्यू है। सौरभ न्यू क्या है? सौरभ आई गेस अपर्णा है। अपर्णा सौरभ वाली आईडी से आप हो ना, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आइडेंटिफाई करो। अरे हमने ये भी बताया इट इज रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड तो ब्लड से पहचानो ना यार। क्या होगा? पता तो है सबको। अब तो मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो पहचान लो। बादल कह रहा है हेमेटोजोइट। ओके शी इज अपर्णा मैम। अच्छा इलाही, डू यू नो अपर्णा? हेलो रिजा, एवरीबडी वाज मिसिंग यू। अभी सब तुम्हें याद कर रहे थे, सब कह रहे थे तुम सो रही होगी। ठीक है, यानी जो तुम्हारा इसका आंसर होगा दैट विल बी सी, आरबीसी ऑफ मेन। ठीक है, आरबीसी ऑफ मेन। देखो हेलो साक्षी, हेलो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, एवरीवन प्लीज लाइक दिस वीडियो। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुफनर डॉट्स आर रिलेटेड टू आरबीसी ऑफ मेन, इज इट क्लियर? चलो, एमी एमीबॉइसिस और एमीबॉइक डेसेंट्री इज कॉज्ड बाय। अब ये तो बता देना, ये तो कल देखो रात में भी आया था ये प्रश्न और किसी ने बताया भी था। चलो जल्दी से बताओ अपना, एमीबॉइक डेसेंट्री किससे होती है? यस, वेरी गुड स्तुति। बादल, बादल इज सेइंग बी, वेरी गुड बादल, वेरी गुड, कीप इट अप। अरे आदित्य भी आ गए हैं आज, वेरी गुड आदित्य, नाइस टू सी यू, वेरी गुड। इलाही सिंह बी, वेरी गुड। आदित्य सिंह बी, बादल इज सिंह बी, वेरी गुड। यस एंड टमीबा हिस्टोलिका। अच्छा ये बताओ, ये तो पता होगा जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको लिखने के तरीके आप लोगों को पता है, हाँ या ना? वरना मैं बताऊं, जल्दी से बताओ साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका पता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, डू यू नो दिस थिंग? व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? सबको पता है, डू यू नो दिस थिंग? आदित्य बादल डेली क्लास किया करो, यहाँ पे डेली 12 बजे और 3 बजे क्लास होती है। आदित्य तुमने 12 बजे वाली क्लास नहीं की, उसको एक बार देख लेना, ठीक है? जीनस एंड देन स्पीशीज। बादल उल्टा लिख रहे हो तुम। अच्छा डू यू नो द रूल, मतलब कौन सा रूल हम फॉलो करते हैं, हाउ वी कैन राइट साइंटिफिक नेम, डू यू नो? अच्छा जानते हो साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं? अगर सपोज कोई साइंटिफिक नेम है, जैसे हम ही लोग हैं ह्यूमन, तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। तो हाउ वी विल राइट, चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, होमोसेपियंस लिखने का सही तरीका क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? हाँ एंटमीबा हिस्टोलिका सही आंसर है इसका। टेक्सोनॉमिकल रूल्स, वेरी गुड बादल, बट मैं जानना चाहती हूँ हाउ यू विल राइट, टेल मी साइंटिफिक नेम। इफ आई एम सेइंग राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो कैसे लिखोगे? लिख के दिखाओ मुझे चैट बॉक्स पे, आई विल चेक। कैसे लिखोगे? या साइंटिफिक नेम ऑफ पी, मटर का लिखो, साइंटिफिक नेम ऑफ पी सबसे इजी है। हाउ विल यू राइट, शो मी, जितने लोग हो सब लोग लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। अगर साइंटिफिक नेम आ रहा है तो कैसे पहचानोगे विच वन इज द करेक्ट वन? इज इट राइट?
अभी तुम्हारा अपर्णा आया ही नहीं है, लिख के तो भेजो। पायसम सताइवम इलाही, तुमने गलत लिखा है, रॉन्ग। लिख के दिखाओ मुझे, मुझे बताओ मत कैसे, मुझे लिख के दिखाओ। अगर पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सताइवम है तो लिख के दिखाओ कि कैसे लिखोगे। पाइसम सताइवम, अपर्णा वेरी गुड, मीतू वेरी गुड, वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, आदित्य। यानी कि देखो क्या गलती करते हो, वेरी गुड इलाही, अब सही लिखा है तुमने। गीता इट्स रॉन्ग। अब सुनो, साइंटिफिक रूल लिखने के, साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स होते हैं। जैसे साइंटिफिक नेम बनता है दो शब्दों से, जैसे यहां देख रहे हो, एक है एंटमीबा, एक है हिस्टोलिका, ठीक है। एक होता है जीनस, यानी ये क्या है तुम्हारा, ये जीनस होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, स्पीशीज होगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर जीनस एंड दिस विल बी योर स्पीशीज। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर, इट शुड बी कैपिटल, ठीक है, इट शुड बी इन कैपिटल। स्पीशीज का जो पहला लेटर, इट शुड बी इन स्मॉल, ठीक है। गीता मैंने तुम्हारा देख लिया, तुमने पूरा कैपिटल कर दिया है, रॉन्ग है। एंटमीबा हिस्टोलिका, दैट मीन्स ई शुड बी कैपिटल, एच शुड बी स्मॉल, एंड देयर विल बी अ गैप बिटवीन दीज टू नेम्स, देयर विल बी अ स्पेस, ठीक है, देयर विल बी अ सर्टन स्पेस, ठीक है। द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड इट मस्ट बी अंडरलाइन इफ हैंड रिटन, वेरी गुड। अगर हम हाथों से साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो इट ऑलवेज बी अंडरलाइन, हमें हमेशा उसको अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर वो लिख के आ रहा है, इटैलिक में लिख के आ रहा है, तो वो कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस, क्लियर है, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, डू यू नो द नेम? Who has given this nomenclature? Binomial nomenclature, दो नाम पद्धति, दो नाम। Who has given? जल्दी से बताओ। Who has given this nomenclature? Do you know the name of that? Linnaeus, very good. Carolus Linnaeus, very good. Very good. Yes, very good. Keep it up, very good. है ना? एकदम सही है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, एन इंपॉर्टेंट ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकाली जाती है? यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू नो दिस थिंग, दिस ट्रीटमेंट, दिस ड्रग इज वेरी यूजफुल फॉर मलेरिया पेशेंट, है ना? सो हेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकाली जाती है? रेड एंट से निकाली जाएगी, कैलिक्स से निकाली जाएगी, बार्क ब्राक ब्राक लिखा है, ये बार्क होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाती है, इट शुड बी बार्क, ठीक है। बताओ जल्दी से, डी, अरे वाह मीतू क्या बात है, यस यस यस, विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, रेड एंट, कैलिक्स या बार्क ऑफ तुलसी? यस, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मलेरिया ड्रग, वेरी गुड मीतू, आई नो मीतू, यू आर करेक्ट, चिंकोना, वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, राइट अपर्णा, राइट आदित्य, वेरी गुड अपर्णा, बार्क ऑफ चिंकोना, वेरी गुड, ठीक है। यू शुड नो दिस थिंग बिकॉज दिस ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, है ना? मलेरिया का पैरासाइट अभी हमने पढ़ा, क्या है पैरासाइट? यस, व्हाट विल बी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया? कौन सा होता है बताओ, जल्दी से बताओ, कौन फैलाता है ये? यस बताओ, प्लाज्मोडियम, वेरी गुड इलाही, वेरी गुड मीतू, वेरी गुड, प्लाज्मोडियम। एंड विच विच मॉस्किटो, फीमेल और मेल, नाम बताओ उसका, विच मॉस्किटो? अपर्णा, आदित्य, कौन सा मॉस्किटो है, नाम बताओ। सारी जो बीमारियां हैं, जो भी मच्छर है ना, सब फीमेल हैं, नाम बताओ उसका, फीमेल मॉस्किटो का। अरे ये क्या लिख रहे हो बादल, प्लाज्मोडियम है,
जल्दी से बताओ कौन? फीमेल, वेरी गुड, फीमेल एनोफिलस, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, फीमेल फीमेल एनोफिलस, वेरी गुड। ठीक है चलो सातवें पे पहुंचते हैं। द ब्राइट कलर्स ऑफ राइप फ्रूट्स इज ड्यू टू, पके हुए जो फ्रूट होते हैं उनके जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? यस, ब्राइट कलर ऑफ राइप फ्रूट इज ड्यू टू, चार ऑप्शन है आपके पास, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। लेडीज यस अपर्णा, यस, सारी खतरनाक फीमेल, देखो सबसे ज्यादा खतरनाक फीमेल्स होती हैं, है ना? मच्छर में भी। आदित्य सिंह ए, वेरी गुड, वी नो दिस थिंग, दिस क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दे आर द पार्ट ऑफ प्लास्टिड्स एंड प्लास्टिड्स गिव्स कलर टू द प्लांट, है ना? क्लोरोप्लास्ट विल गिव ग्रीन कलर, ल्यूकोप्लास्ट विल बी कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट विल गिव ऑल द कलर्स, है ना? बादल, रात में भी क्लास ज्वाइन करना 9:30 पे। अपर्णा, आदित्य आज टाइम से आ जाना 9:30 बजे, ठीक है? अपर्णा तो टाइम से आ जाती, आदित्य टाइम से नहीं आता है। आदित्य बी ऑन टाइम, ओके, एट 9:30 टुडे। क्रोमोप्लास्ट, वेरी गुड, बिकॉज क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑल द कलर्स, ऑल द ब्राइट कलर्स, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर क्रोमोप्लास्ट, वेरी गुड, द ब्राइट कलर्स ऑफ राइप फ्रूट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ विच ऑफ दीज? आपको पता है स्ट्रोमा किसी एक ऑर्गेनली का ग्राउंड मटेरियल है। यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर इट इज प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनली, राइबोसोम, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ विच ऑफ दीज? यस यस अपर्णा, क्लोरोप्लास्ट इज फॉर लीव्स कलर। आदित्य इज सेइंग डी, ओके, बादल इज सेइंग डी, अपर्णा इज सेइंग डी, स्तुति इज सेइंग डी, ओके, यस, वी नो दिस थिंग, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस ऑर्गेनली, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली इन प्लांट, आंसर इज डी, वेरी गुड। हम जानते हैं अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, गंदा बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से थैलिकॉइड्स होते हैं, वी नो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट थैलिकॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ग्रेना, स्ट्रोमा, याद आ रही है चीजें, एंड फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस हेयर, बिकॉज वी नो दिस थिंग, फोटोसिंथेसिस कंटेन टू फेसेस, है ना? टू फेसेस होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी, तो स्ट्रोमा जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, एंड स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, हमेशा ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी, क्लियर है एवरीवन? जल्दी से बताओ क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, जल्दी से बताओ बच्चों, इज इट क्लियर? जल्दी से जवाब आना चाहिए, अरे बिल्कुल बताएंगे, वाई प्लीज, वाई यू आर सेइंग प्लीज इलाही? देखो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्लोरो क्या है? क्लोरो मतलब इट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, ठीक है, एंड क्रोमो, क्रोमो में सारे कलर आ जाएंगे जितने ब्राइट कलर होंगे, ठीक है, इट इज सो इजी, यस। Now it is clear, stroma is the ground material of which of these? Chloroplast, because we know chloroplast is the plastid that is only present in plant cell. It gives green color to the plant. And one more thing, जितनी photosynthesis की activity होगी वो यहीं पे होगी, क्योंकि photosynthesis में दो phases होते हैं, two phases, that will be your light reaction and dark reaction, ठीक है? Okay, fine, fine. ना इट इज क्लियर? क्या हुआ गीता, फिर क्या बोले? ठीक है, क्या बफरिंग हो रही है? नेट नेट चल रहा है प्रॉपरली?
नेट चल रहा है ना? आपको दिख रही हूं ना मैं? जल्दी से बताओ। सॉरी, क्या लिख रहे हो तुम लोग? लियर लिख दिया। चलो तो अगले में पहुंचते हैं। अपना रेडी? व्हेन ग्रीन टोमेटोज फ्रूट्स टर्न टू रेड देन, जल्दी से बताओ। व्हेन ग्रीन टोमेटोज फ्रूट टर्न्स टू रेड, तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। व्हेन ग्रीन टोमेटोज फ्रूट्स टर्न टू रेड, मीतू इज सेइंग बी। ओके, रिजा इज ऑल्सो सेइंग बी, आदित्य इज सेइंग बी। अरे इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता भैया, अभी बताया है, अभी अभी अभी, कि जब हरे टमाटर जो हैं वो रेड हो चुके हैं, यानी हरा क्लोरोप्लास्ट और चेंज हो गया रेड में, यानी ब्राइट कलर हो गया क्रोमोप्लास्ट। सो योर आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट आर डिसइंटीग्रेटेड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ रखा है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा। G1 में होगा कि S में होगा कि G2 में होगा, ये तीनों फेस हैं इंटरफेस के, वी हैव टू आइडेंटिफाई। अपर्णा इज सेइंग ए। अपर्णा, आंसर इज ए फॉर व्हाट? दिस 10th का ए। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन M फेस। वेरी गुड गीता, वेरी गुड मीतू। डी, वेरी गुड बादल। अपना क्या हो गया? इंटरफेस होता है। डू यू नो इंटरफेस इज द एक्टिव फेस ऑफ द सेल? ठीक है, इंटरफेस इज द एक्टिव फेस ऑफ द सेल। वी कैन से द रेस्टिंग फेस ऑफ द सेल। एंड इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू अगेन थ्री पार्ट्स, द फेसेस। इट विल कंसिस्ट थ्री फेसेस, G1, S एंड G2। G1 दैट इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज। S वेयर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस। G2 वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक प्लेस। गॉट इट? क्लियर हुआ? तीनों क्लियर हुए? जल्दी से बताइए, तीनों क्लियर हुए? यस और नो, जल्दी से बताइए, फटाक से बताओ भैया। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कौन से फेस में होता है डीएनए का सिंथेसिस? G1, S, G2 एंड यस, वन मोर थिंग, तुम लोगों को ये सीक्वेंस भी याद रखना है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। फर्स्ट G1 कम, देन S, देन G2 विल कम। ओके, सो G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, S में सिंथेसिस ऑफ डीएनए विल टेक प्लेस, एंड G2 में प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक प्लेस। एंड आफ्टर दिस, अपन ना समझो इसके बाद क्या है, M फेस है। अब M कितने में डिवाइडेड है? 4 में। इट इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ठीक है, क्लियर है अपना? नाउ इट इज क्लियर। G1 एस G2, देन आफ्टर दैट M फेस। M फेस इज अगेन डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। गॉट इट? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इसका भी सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट प्रोफेस विल कम, देन मेटा, देन एना, देन टीलो। वेरी गुड स्तुति। ठीक है, चले आगे। इज इट क्लियर? बादल, आदित्य, अपर्णा, इज इट क्लियर? ओके, तो एम फेस नहीं होगा क्योंकि G1 एस G2 के बाद एम आएगा और एम में चार है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रो मतलब पहले, यस। चलो, न्यूक्लियोलस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट डिसअपियरिंग। कब वो डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं बताइए? जो न्यूक्लियोलस है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। कौन से ऐसी स्टेज है जिसमें वो गायब होना स्टार्ट होते हैं? ए,
ए वेरी गुड, क्या बात है भैया, क्या बात है। यस, जल्दी से बताओ जल्दी से। बादल इज सेइंग ए, मीतू इज सेइंग ए, गीता इज सेइंग ए, अपर्णा इज सेइंग ए। वेरी गुड, याद है ना हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने चारों फेसेस पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, कि प्रोफेस में क्या होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगी। मेटाफेस में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम बीच में आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। एनाफेस के दो फेसेस हैं, अर्ली और लेट। अर्ली एनाफेस में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड विल स्प्लिट। लेट एनाफेस में क्या होगा, फरो बनेगा। टीलोफेस में क्या होगा, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल विल कम अगेन, रीअपियर। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, अधिकतर। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। और जब गड़बड़ करते हैं फिर रोते हैं, कहते हैं ले ओ, पढ़ा हुआ गलत कर दिया। जो जो क्वेश्चन हम लोग 10 बार लगाते हैं, जनरली वही क्वेश्चन हम लोग गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, क्लियर है। 12वां देखते कौन बताता है। अर्ली प्रोफेस ऑफ डिप्लॉइड सेल हैज डैश सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। टीलो फेस ऑफ अ डिप्लॉइड सेल हैज डैश सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल डिविजन वेयर द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम। ओके अपर्णा, फाइन, बट तुम अपने नाम से आओगी ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने नाम से तुम रात में आओगी। हैं गीता बोल रही है सी बादल, गलत जवाब है। अब बादल फिर लिखेगा, बादल फोकस करो, डिप्लॉइड सेल है बच्चा, डिप्लॉइड सेल। बताओ, अर्ली प्रोफेस ऑफ अ डिप्लॉइड सेल हैज डैश सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। वेरी गुड गीता, गीता ने एकदम सही जवाब दिया है। सी मितु सिंह, सी वेरी गुड। That means early prophase of a diploid cell has dash sets of chromosome. Telophase of a diploid cell has dash sets of chromosome. It will be 2 2 because we are talking about 2. ठीक है, चलो। What is the common point between या what is the common similarity between DNA and RNA? RNA और DNA जो कि genetic material होते हैं cell के, we know this thing. These are the genetic material of cell. DNA means deoxyribonucleic acid. आर एन ए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी एन ए कंटेन अ डिफरेंट शुगर, आर एन ए कंटेन अ डिफरेंट शुगर। एंड डी एन ए विल बी योर डबल स्ट्रैंडेड, आर एन ए विल बी योर सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट? तो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? डी। अरे वाह, क्या बात है। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डू यू नो वॉट इज न्यूक्लियोटाइड? आंसर ये सही है, बट क्या मुझे कोई बता सकता है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अरे सौरभ, यू आर नॉट अपर्णा, तो सौरभ तुम कौन हो? आई थॉट यू आर अपर्णा। सीरियसली, आई डोंट नो देन हु आर यू। डॉक्टर बादल इज सेइंग न्यूक्लियोसाइट प्लस फॉस्फेट। अरे बादल, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड पता है ना, डीएनए कंसिस्ट पॉली, मतलब डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड विल कंटेन वन फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड बेस। याद आया? आई एम फ्रॉम जलगांव। नो मैम, आई डोंट नो सौरभ, आई थॉट यू आर अपर्णा, दैट इज वाई आई एम कॉलिंग यू अपर्णा, अपर्णा अगेन एंड अगेन। नॉट थ्री बेस गीता, थ्री बेस गलत शब्द है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों को कंसिस्ट करके बनता है,
तीन चीजों को कंसिस्ट करके बनता है न्यूक्लियोटाइड. पहला होगा, फर्स्ट वन विल बी योर फॉस्फेट, सेकेंड वन विल बी योर शुगर, एंड थर्ड वन विल बी योर बेस. अच्छा, फाइन सौरभ, वेरी गुड. यू आर फ्रॉम जलगांव, इट्स ओके. सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एमएसटी सीईटी? आई थिंक आई एम राइट मैम. बादल, बादल यू आर सेइंग, वेयर इज योर कमेंट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. हाँ, यू कैन से, देखो वैसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस. ठीक है. नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सौरभ, यू कैन ज्वाइन, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या होगा, बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट, माइटोटिक एनाफेस एंड मेटाफेस हैव, बताओ माइटोसिस का एनाफेस और मेटाफेस के पास क्या होता है, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो. Tell me fast, mitotic anaphase and metaphase have. Chromosomes are half that anaphase, chromatids are half that anaphase. The same number of chromosomes and chromatids, both chromosomes and chromatids are half that anaphase. What will be the correct answer? Half matlab, it will reduce to half. Adha ho jana. सौरभ आर यू देयर? यस. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ भैया. डी, यू आर सेइंग डी, गलत बता रहे हो, इतनी मार पड़ेगी ना, ढंग से देखो. ओके सौरभ, नाउ टेल मी द आंसर, माइटोटिक एनाफेस एंड मेटाफेस हैव. इट्स ओके रेशमा, नो प्रॉब्लम, रात में आ जाना 9:30 बजे, नो इश्यूज. ठीक है, 9:30 बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी मेरी क्लास है, उस पे आ जाना, ज्वाइन कर लेना, नो प्रॉब्लम. देखो हमें पता है माइटोटिक एनाफेस में स्प्लिटिंग होती है और मेटाफेस में इट विल कम इन इक्वेटर, इक्वेटर पे आ जाते हैं. ठीक है, यस. तो यहां पे क्या होगा, अब बताओ, क्रोमोसोम्स आर हाफ डेट एनाफेस, सही है ये लाइन, 14 का ए एकदम सही है. क्रोमोसोम्स आर हाफ डेट एनाफेस क्रोमैटिड्स, ठीक है, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स, बोथ क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स आर हाफ डेट एनाफेस. ठीक है, तो हम इसमें ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, हम इसमें सिर्फ करते हैं माइटोटिक एनाफेस हैव, इसको हटा देते हैं, क्योंकि वरना दो ऑप्शन मुझे सही करने पड़ेंगे. नाउ यू कैन टेल, नाउ यू कैन टेल, इसको हटा देते हैं, देन द क्वेश्चन विल बी करेक्ट, माइटोटिक एनाफेस हैव. तो अब हम बता सकते हैं कि एनाफेस के पास क्या होता है, माइटोटिक एनाफेस हैव. ठीक है, अब हम बता सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें दो आंसर देने पड़ेंगे, फिर हमें एक हटा के लिखना पड़ेगा दो के बारे में. फाइन, सो माइटोटिक एनाफेस हैव, क्योंकि वी नो दिस थिंग, मेटाफेस में क्या होगा, वो इक्वेटर में आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम. ठीक है, एनाफेस में क्या होगा, इट विल गेट स्प्लिट. बी, देन द आंसर विल बी ए, बच्चा ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्रोमोसोम्स आर, चल क्यों नहीं रहा ये, क्रोमोसोम्स आर हाफ डेट एनाफेस. ठीक है, चलो, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, कर चुके हैं ये प्रश्न, जल्दी से बताओ, जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो क्या होता है, जल्दी से बताओ,
lack membrane and contain water and excretory substances. Is membrane bounded and contains storage protein and lipids? Is membrane bounded and contain water and excretory substances? Lack membrane and contain air. वैक्यूल के पास क्या मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है, पहचानो. वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है, पहचानो. जल्दी से बताओ, वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है, पहचानो. बादल इज सेइंग ए. बादल ध्यान से पढ़ो, वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन है तो व्हाई आर यू सेइंग लैक? लैक वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट नाम है. सी इलही सेइंग सी. स्तुति सेइंग बी. वेरी गुड. जल्दी से बताओ, बी. वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ. ए और डी तो हटा दीजिए, हटा दिया एकदम, ठीक है. तो दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं रफ, जल्दी से बताओ. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड है ईआर से, या राइबोसोम्स होते हैं उसके सरफेस पे, या ग्रैनुअल्स होते हैं उसके सरफेस पे, या सरफेस ग्रैनुअल्स होते हैं, बताइए. सल्फर ग्रैनुअल्स. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. बी. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल्स आर बिकॉज ऑफ. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, राइबोसोम ऑन द सरफेस. वी नो दिस थिंग. आर ER is of two type. We know this thing. ER is a cell organelle. ER is a cell organelle and it is of two type. Smooth and rough. Very good, Saurabh. Yes. Ribosome is the reason behind this. Very good, Saurabh. Yes, it is correct. And let me tell you one thing. ER is of two type. Smooth and rough. Smooth doesn't contain any kind of ribosome. But yes, rough ER will contain ribosomes. ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर रैप्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नोन एज. स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर रैप्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में कवर्ड है. हमें पता है तीन मेम्ब्रेन है हमारे पास, जल्दी से बताइए. आरव इज सेइंग बी. वेरी गुड इलाही. बी. वेरी गुड मीतू, वेरी गुड. तीन मेम्ब्रेन है हमारे पास, जिसमें जो नाम है वो है ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड एंड पिया मैटर. तो दीज थ्री मेम्ब्रेन कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजेस. ठीक है. नोड्स ऑफ रेनिवेयर कहाँ है, न्यूरॉन में है. माइलिन शीट कहाँ है, न्यूरॉन में है. एक्सो मेम्ब्रेन कहाँ है, न्यूरॉन में है. ठीक है. यस वेरी गुड सौरभ. मेनिंजेस. यस. Prokaryote is characterized by. आपको identify करना है which statement is correct regarding prokaryote. Now tell me prokaryote. Dispersed DNA and lack of membrane bound organelle. Is it correct? Absence of nuclear envelope. Is it correct? Absence of nucleolus. And the last one, all of these. What will be the correct answer? Saurabh is saying A. Geeta is saying D. Saurabh, ध्यान से पढ़ो जरा, ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ो. Yes, Saurabh.
बिकॉज वी नो दिस थिंग, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, अच्छा कोई बात नहीं, मीतू छूट जाएगा तो देख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो चार्ज, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, दो टाइप की सेल है हमारे पास, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस है यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सारे ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंडेड है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है बच्चा, ठीक है। तो यहां पे लैकिंग है यानी लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, एंड न्यूक्लियस जो है उसकी आउटर कवरिंग जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट ऑल्सो इट विल बी एब्सेंट, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर, जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया, सबको पता है प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है, बैक्टीरिया है, थ्री मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये फ्लैजिला है बैक्टीरिया का, अंदर एक डीएनए पड़ा हुआ है और डीएनए फ्री है, डीएनए किसी भी मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं है, ठीक है। बिकॉज इलाही दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कुछ कुछ रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। यस इट डज नॉट, डजेंट कंटेन्स वेल डिफाइंड एंड वील हैव ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, वेरी गुड सौरभ, यस एकदम सही है ये, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें, फाइन। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो फ्री फ्लोट कर रहा है, किसी भी मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं है, इज इट क्लियर, एनी डाउट हियर, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। अच्छा डू यू नो न्यूक्लियोलस सेल में क्या करता है, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इन द सेल, विच वन इज करेक्ट, स्तुति ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट, न्यूक्लियोलस व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इन द सेल, कंट्रोल, व्हाट कंट्रोल, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, नो आइडिया इलाही, अभी तुमने बोला सेम क्वेश्चन, और सोचो तुम्हें न्यूक्लियोलस का फंक्शन नहीं पता, न्यूक्लियोलस का फंक्शन तो पता होना चाहिए ना, सॉरी व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या करता है सेल में, एनी आइडिया, नो आइडिया, तुम लोगों के पास आइडिया है भैया, गेट आइडिया, पता है तुम लोगों को और मैंने बताया भी है, गीता आरएनए फॉर्मेशन, देखिए इट फॉर्म्स आरएनए इन द सेल, जिसको नहीं पता है लिख लो, इट फॉर्म्स आरएनए इन द सेल, आरएनए बनाएगा और राइबोसोम भी बनाने का काम करता है, इट फॉर्म्स आरएनए एंड राइबोसोम्स इन द सेल, तो राइबोसोम क्या बनाएंगे, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट राइबोसोम, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ राइबोसोम देन, व्हेन इफ न्यूक्लियोलस, मतलब जो न्यूक्लियोलस का काम है, न्यूक्लियोलस फॉर्म्स आरएनए एंड राइबोसोम इन द सेल, देन व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन द सेल, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, आरएनए इज, राइबोसोम इज कॉल्ड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, एंड देन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल ट्रांसपोर्ट दैट प्रोटीन इन द सेल, देखो मेरे पास क्वेश्चन बहुत हैं, बच नहीं पाओगे, चलो बताओ, अगर न्यूक्लियोलस ने आरएनए बनाया, राइबोसोम बनाया, राइबोसोम ने क्या किया, प्रोटीन बनाया, तो अब ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, लेट्स सी हु विल गिव द करेक्ट आंसर,
गोल्जी बॉडी नहीं, बादल नहीं, नो नॉट एट ऑल। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है सेल में? सेल में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, जल्दी से बताओ। ट्रांसपोर्टेशन का काम सेल में कौन करेगा? यस, सोच लो, थोड़ा सा और सोच लो। ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं। मीतू वेरी गुड। ईआर पार्टिसिपेट करती है, ईआर, अगर आपको पता हो। ईआर विल पार्टिसिपेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट ओनली अलाउज अ सर्टेन पार्टिकल्स टू कम इनसाइड द सेल, है ना? यस। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, गलत ना किया करो। चलो 19वें पे आ जाओ। ओके, नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, सेंट्रियोल। सी गीताई सिंह, सी मीतु सिंह, सी लही सिंह, डी। अरे भैया बहुत मार पड़ेगी। सही आंसर दो जल्दी से। गलत गलत आंसर दिया जा रहा है। रॉन्ग, गलत है आंसर भैया। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सी बादल सिंह, सी सौरभ। ओके फाइन सौरभ, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, नो इश्यूज। नाउ सी, नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। ओनली वन करेक्ट आंसर एंड दैट वॉज गिवन बाय, नहीं थ्री करेक्ट आंसर, दैट वॉज गिवन बाय गीता, मीतू एंड बादल। इलाही गलत बता रही हो। सेंट्रियॉल, सेंट्रियॉल सुना है? सेंट्रियॉल, जब हम प्लांट और एनिमल सेल पढ़ते हैं, जब हम प्लांट पढ़ते हैं, ये प्लांट है, ये एनिमल है, प्लांट सेल डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस को बिठाओ, यहाँ पे भी न्यूक्लियस को बिठाओ, तो यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। याद आया? ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, दैट विल बी सेंट्रियॉल, क्योंकि सेंट्रोजोम जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं एंड इट विल पार्टिसिपेट इन सेल डिविजन। याद आया? यही तो है जिनकी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर का जो क्रोमेटिन फाइबर है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इट विल चेंज इन टू क्रोमोजोम। याद आया? सेंट्रियॉल किसमें हेल्प करते हैं? सेंट्रोजोम किस में हेल्प करते हैं? क्रोमेटिन फाइबर विल चेंज इन टू क्रोमोजोम इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोजोम। याद आ रहा है बादल, सौरभ? इज इट क्लियर? ओके सौरभ और बादल, गीता, मीतू, सब लोग सुन लो। रात में 9:30 बजे भी आपकी बायो की क्लास है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, तो रात में 9:30 बजे भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मेरा नाम आपको पता ही है, आप सर्च भी कर सकते हो, अदरवाइज आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, एमएचटी सीईटी को सिलेक्ट करिए। जब आप एमएचटी सीईटी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको मेरी लाइव क्लास दिख जाएगी। सीईटी सीईटी, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा है, सीईटी, एमएचटी सीईटी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको मेरी क्लास दिख जाएगी। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेंट्रियॉल। 20, कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल एबसेंट इन एनिमल सेल इज। एक कोई कॉम्पोनेंट है नहीं, अभी पढ़ा रही हूं इलाही, अभी नहीं ओवर कर रही हूं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। कॉम्पोनेंट ऑफ अ प्लांट सेल एबसेंट इन एनिमल सेल। मेरा नाम सौरभ सतप्रीत कौर शर्मा है, सतप्रीत कौर शर्मा।
ठीक है, आपको अगर मेरे नाम की स्पेलिंग ना पता हो, मैं दिखा सकती हूँ आपको। एक सेकंड के लिए मैं अपने इंट्रो इनको दिखा दूँ, ये शायद स्टार्टिंग में थे नहीं। सो दिस इज़ माई स्पेलिंग, दिस इज़ माई नेम स्पेलिंग, ये है मेरा नाम, आई एम सतप्रीत कौर शर्मा। ठीक है, फाइन। दिख गया होगा आई गेस, कहीं नोट कर सकते हो आप मेरे नाम की स्पेलिंग। आगे पहुंचते हैं, लंबा नाम था इसलिए लिखा नहीं, दिखा दिया। ठीक है, यस। नाउ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल, एक ऐसा कॉम्पोनेंट आपको बताना है जो, एक ऐसा कॉम्पोनेंट बताना है जो प्लांट सेल का है बट वो एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, सौरभ अब तुम्हें नाम पता चल गया? यस इलाही, वेरी गुड। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। हम लोगों ने पढ़ा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। लेकिन अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल पर्टिकुलरली कहाँ है? प्लांट सेल में होती है, फंगस में होती है, बैक्टीरिया में होती है ना? बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है कि नहीं होती है, जल्दी से बताओ। थैंक यू सौरभ। देखो कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल है डैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और वी कैन से इट इज, देखो सिर्फ प्लांट सेल नहीं, फंगस में भी है और बैक्टीरिया में भी है। ठीक है, फाइन। सौरभ MHT CET सिलेक्ट करना मत भूलना, वरना मेरी क्लासेस तुमको दिखेंगी नहीं। रात में 9:30 बजे है, डेली होती है रात में 9:30। ठीक है, MHT CET आज हम सेल डिविजन के क्वेश्चंस करेंगे रात में 9:30 बजे। यश सो रहा होगा, वो सिर्फ एक क्लास करने आता होगा। गीता बस मुश्किल से 3 और हैं। ओके, तो आपको मेरी लाइव क्लास दिख जाएगी, आज 9:30 बजे है, सेल डिवीजन पे है, मैंने लगा दी है क्लास, आप देख सकते हो। ओके, ऑलवेज वेलकम सौरभ। ठीक है, तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हो, डेली होती है 9:30 बजे, वहां पे और भी सारी क्लासेस पड़ी हैं, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो इट इज क्लियर नाउ कि कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो वी नो दिस थिंग, साइटोप्लाज्म दैट इज अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनलीज आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इट शो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वाई? बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टन पार्टिकल्स टू कम इन साइड द सेल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, दिस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, बॉस ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, इट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस विल कंटेन क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियस विल कंटेन न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ वन मेम्ब्रेन, दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर के लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट? न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म। हु हैज गिवन, हु हैज क्वाइंड दिस टर्म सेल? रॉबर्ट हुक। एंड हु हैज क्वाइंड दिस, हु हैज डिस्कवर्ड दिस न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, क्लियर है? यस, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। टोनोप्लास्ट ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन सराउंड्स द, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन विच सराउंड वन ऑर्गेनली, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनली।
विच इज सराउंडेड बाय द टोनोप्लास्ट लेयर। यस बी सौरभ सिंह, बी इलाही सिंह, बी गीता सिंह, बी सौरभ। आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि वो भी ज्वाइन करें, जिन जिन को बायो पढ़नी है, जो जो एमएससी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्वाइन करें। बी वेरी गुड, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला आंसर था क्योंकि इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। ठीक है, नकल के लिए भी अकल चाहिए वाला स्टेटमेंट यहाँ लगता है। ठीक है, तो वैक्यूल क्या है आपको पता है? वैक्यूल दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बड़ा सा होता है, अंदर सेल सैप है, आउटर मेम्ब्रेन है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, है ना? वी नो दिस थिंग, हम सबको इतना पता है कि जो वैक्यूल है वो प्लांट में बड़े लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और एनिमल में इफ इट इज प्रेजेंट, वैसे तो ये एब्सेंट रहता है, लेकिन अगर एनिमल में है तो ये बहुत छोटी स्मॉलर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सेल सैप दैट विल कंटेन योर, अभी बताया था, प्रोटीन, लिपिड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ दिस सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। 22वें का बताओ, एटीपी से आंसर निकालो निकालो, मैं तब तक उसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। यू नो दिस इज द डायग्राम ऑफ, आपको ये डायग्राम पता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस, ए ऑप्शन आ रहा है सबका, ओके ए आ रहा है, वेरी गुड। देखो इसके ऐसे डंडी खींचते खींचते तो लग रहा है रात हो जाएगी। ठीक है, वी नो दिस थिंग, द पावर हाउस ऑफ द सेल, यस दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज एबसेंट इन आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एबसेंट होते हैं, न्यूक्लियस एबसेंट होता है, ईआर एबसेंट होता है, याद आया? बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, इतना काफी है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अस ऑर्गेनली विच इज रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फ्रॉम एटीपी, सो द करेक्ट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, दो लेयर होती हैं इसमें, दो लेयर हैं, इनर एंड आउटर, क्रिस्टी होती है इसमें, क्रिस्टी होते हैं, सी आर आई एस टी ए ई, क्रिस्टी होता है, मैट्रिक्स होता है, एफ वन पार्टिकल, परोक्सीजोम्स, मैट्रिक्स, इनर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये बताओ एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी गीता कह रही है और सौरभ कह रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस बादल, मीतू, गीता, सौरभ, इलाही, वेरी गुड। द फुल फॉर्म एटीपी विल बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, वेरी गुड इलाही, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी इज आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। थैंक यू सो मच सौरभ। सौरभ यहाँ डेली क्लास होती है, यहाँ 12 बजे भी होती है बेटा और 3 बजे भी होती है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप किसी भी टाइम 12 बजे 3 बजे दोनों क्लासेस में आ सकते हो।
ठीक है, और रात में होती है 9:30 बजे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए थे। 12 बजे, 3 बजे दोनों होती हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सौरभ, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लो, ठीक है, और शेयर तो करना ही करना है। इज इट क्लियर? द सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। सबको पता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में, अच्छा ठीक है, ओके सौरभ। अच्छा, डू यू नो दिस थिंग दैट माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस भी होता है, एक साइकिल भी चलती है। डू यू नो द नेम ऑफ दैट साइकिल? यस, डू यू नो द कीन साइकिल? कीन साइकिल कौन सी होती है इलाही? हड़बड़ी में तुम लोग क्या लिखते हो? क्रेप साइकिल, वेरी गुड वेरी गुड। क्रेप साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? हमने पढ़ाई भी थी, क्रेप साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? एनी आइडिया? देखो, सेल में दो साइकिल होती है, दो साइकिल अगर याद हो, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेप साइकिल, ठीक है। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है ना, रेस्पिरेशन में क्रेप साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस विल अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड क्रेप साइकिल विल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज विल चेंज इनटू पाइरुवेट एसिड, राइट? ग्लाइकोलिसिस सबको याद होगा, ग्लूकोज से पाइरुवेट एसिड बनेगा। पाइरुवेट एसिड क्या करेगा? एक्टिव। पाइरुवेट एसिड डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो क्रेप साइकिल में नहीं जा सकता, है ना। तो क्रेप साइकिल में कौन सा कंपाउंड सबसे पहले, कहां से साइकिल चलेगी? एसिटिल कोएंजाइम, याद है? एसिटिल कोएंजाइम सबने सुना होगा, एसिटिल कोएंजाइम से चलती है साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस, क्रेप साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, टीसीए, डू यू रिमेंबर दिस थिंग? यस और नो? याद है प्यारे प्यारे बच्चों, याद आ रहा है क्रेप साइकिल? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था भाई, किसने नाम दिया था? हु हैज कॉइंड दिस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, वेरी गुड गीता। समोसा काटा नहीं, काटो, समोसा काटो। हमने एक ट्रिक बताई थी, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो उसमें एक ट्रिक मैंने बताई है, समोसा काटो, तो उसमें आप देखना, उसमें क्रेप साइकिल मैंने एक्सप्लेन की है। यस, ओके सौरभ, सबके लिए हार्ड होती है, डोंट वरी। बट इंटरेस्टिंग होती है साइकिल, होती है, डराती है थोड़ी सी, है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। यस, नाउ टेल मी हु हैज डिस्कवर अल्टमन? वेरी गुड इलही। और एक और है जिन्होंने इसका शब्द दिया था, हु हैज कॉइंड दिस टर्म? हु हैज कॉइंड दिस टर्म, नाम बताओ। बेंडा, वेरी गुड गीता, बेंडा थे वो, BENDA, बेंडा। अल्टमन एंड बेंडा, याद आ रहा है? ये दोनों नाम किससे एसोसिएटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, बेंडा, वेरी गुड। चलो, द मेन साइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन साइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज कौन सी होती है? मेन साइट माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। सौरभ सिंह, सी, वेरी गुड। वेरी गुड इलाही। वेरी गुड, सी, वेरी गुड,
यस, वेरी गुड. सो द मेन साइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मीतू, ये लास्ट क्वेश्चन है. बादल सी, वेरी गुड. क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है आपको पता है वहीं पे सारे ऑर्गेनली एम्बेडेड हैं. प्लांट सेल हो गई, प्लांट सेल में अंदर जितना साइटोप्लाज्म लिक्विड है यहीं पे सारे सेल ऑर्गेनली हैं. ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनली यहीं पे हैं. ठीक है, जितने सेल ऑर्गेनली हैं उनका अपना सारा फंक्शन यहीं पे होगा. तो मेन साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज विल बी योर साइटोप्लाज्म. ठीक है, और क्वेश्चंस चाहिए थे? सौरभ, रात में मिलना 9:30 बजे, और क्वेश्चन के साथ. ठीक है, कल और परसों भी क्वेश्चंस ही होंगे, तो यानी ये समझ जाओ पर डे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 90 क्वेश्चंस. तो 90 × 3 कितना हुआ? 270 है ना. तो 270 क्वेश्चंस की तैयारी हो रही है तुम्हारी इन 3 दिन में, सिर्फ आज, कल और परसों. ठीक है, इज इट क्लियर? तो यानी कि अब चलते हैं और देखो, जाते जाते फिर से बता के जाएंगे. भूलना मत, महाराष्ट्र सीईटी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो. क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं. जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करते वक्त ये चीज़ ध्यान दीजिए, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के बटन दबाने से ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे. ठीक है, तो बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको पता नहीं चलेगा कि आपके, थैंक यू, आपके एजुकेटर की क्लास कब हो रही है आपको पता नहीं चलेगा. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट करिए यूट्यूब पे. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट करिए, मैं देखूंगी, मैं जवाब दूंगी. ठीक है, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएसटी सीईटी, जो एमएसटी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो जल्द से जल्द अन अकेडमी से अपना सब्सक्रिप्शन लें. ठीक है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए फॉर एमएसटी सीईटी. यूज माई कोड एस कोर, यू विल गेट 10% ऑफ. आपको अगर एमएसटी सीईटी की तैयारी करनी है तो अन अकेडमी से फटाक से सब्सक्रिप्शन लीजिए. और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान दीजिए कि मेरा कोड लगाना ना भूलिएगा, मेरा कोड लगाना ना भूलिएगा एसकॉर. जब आप मेरा कोड लगाएंगे तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा. यस और नो? यस, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, जल्दी से बताइए. यस सौरभ, इलाही, गीता, कल फिर से ज्वाइन करिएगा और रात में भी 9:30 बजे ज्वाइन करिएगा सब लोग. और कल 12 बजे फिर इसी चैनल पे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, तो मिस मत करिएगा. और जिन्होंने 12 बजे वाला क्लास नहीं देखा है वो प्लीज़ 12 बजे वाला क्लास भी देख लें. ठीक है, और पुरानी क्लासेस भी इसमें हैं सौरभ, बाकी मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है पिछला, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कल लाइव पूछ लेना मुझसे, अगर किसी चीज़ में डाउट हो. ठीक है, फाइन बच्चा, चले अब चलते हैं. यस, कोई डाउट हो पुरानी वीडियोस को, सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, सभी बच्चों के लिए, आप लोग पुरानी वीडियोस को देखो, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो. लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अच्छे से वीडियो को देखो, नोट्स बनाते चलो, ताकि कहीं फंसो तो मुझसे पूछो. ठीक है, चलो अब मिलते हैं फिर से रात में 9:30 बजे. और जो लोग 9:30 बजे कनेक्ट होंगे बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हो पाएंगे उनसे मिलेंगे कल 12 बजे यहीं पे इसी चैनल पे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एवरी